नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने YouTube चैनल मोदी जायका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम और पुदीना धनिया पत्ते की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 2 पीस कच्चे आम, 1 कटोरी पुदीना के ताज़ा पत्ते, 1/2 कटोरी धनिया के ताज़ा पत्ते, 1 लहसुन की कली, स्वाद अनुसार 2 या 4 जितना भी आप हरी मिर्च खाना चाहें तीखा उसके अनुसार हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1/2 चम्मच छोटा चम्मच जीरा, कच्चे आम को अच्छे से जो है उसके ऊपर के छिलके को साफ कर देंगे, छील देंगे और अच्छे से उसको जो है पानी से साफ करके धो लेंगे। हरी पत्तियों को भी जो है पुदीना के पत्ते और धनिया के पत्ते को भी अच्छे से जो है साफ कर लेंगे, क्योंकि मार्केट से जब हम लाते हैं तो काफी गंदी या मिट्टी वगैरह बालू वगैरह के कण होते हैं उसमें। लहसुन के जो कली को भी जो अच्छे से जो है साफ कर लेंगे, हरी मिर्च के टहनियों को भी अच्छे से जो है काट देंगे। अदरक को भी जो है बारीक काट लेंगे। मिक्सी के जो जार में जो है कटे हुए आम के रख देंगे, कच्चे आम को, उसमें जो है कटे हुए हरे पुदीना के पत्ते को भी डाल देंगे। हरे धनिया के पत्ते को भी अच्छे से इसमें जार में जो है डाल देंगे। साबुत 1/2 चम्मच छोटा जीरा को भी इसमें जो है डाल देंगे। 1 कली जो है, देखिए कली को जो है लहसुन की कली को हमने ऊपर के छिलके को निकाल दिया है। अदरक को भी बारीक काट लिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च 1 या 2 ही डालें। अगर ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसके अनुसार डाल दें। स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देंगे। अब जैसे हम 1 छोटा चम्मच जो है नमक जो है डाल देते हैं। अगर आप खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो आप जो है उसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अगर आपको मीठी नहीं बनाना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा इसमें जो है पानी भी डाल देंगे जिससे अच्छे से जो है इसको हम पीस सकें। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसको कवर करके हम जो है मिक्सी जार में जो है पीस लेंगे। देखिए कितना अच्छा जो है बारीक जो है देख लेंगे कि बारीक से बारीक पिसा हो, बहुत अच्छा बारीक पिसा चला गया है। अब इसको एक बॉल में जो है हम निकाल लेंगे। हमारी आम, कच्चे आम और पुदीना की जो है धनिया पत्ते की चटनी जो है बन के तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन को जो है दबा दें, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको जो है मिलता रहे। धन्यवाद।